हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक महासंघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। कंप्यूटर शिक्षक लंबे समय से वेतन बढ़ाने और स्थायी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। अब तक कंप्यूटर शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल 198 बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मुलाकात कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई नीति तैयार नहीं की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक महासंघ के महासचिव अश्वनी शर्मा ने कहा कि बार बार गुजारिश करने के बावजूद सरकार मांगे नहीं मान रही। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में कंप्यूटर शिक्षकों का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। महंगाई प्रथा खत्म करो, हिमाचल सरकार एक काम करो, प्रदेश भर के 1341 शिक्षक और उनका परिवार सरकार से मांग कर रहा है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए और उनके लिए स्थायी नीति बनाकर राहत प्रदान की जाए। कि आज हमारा ये दूसरा धरना, हफ्ते के अंदर में दूसरा धरना, पहले हमने जिलाधीश के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उस पे पॉजिटिवली कुछ भी निकल कर नहीं आया है, तो मजबूरी में आज हमारे को दूसरे टाइम पर यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है। और अगर आज भी कुछ असर नहीं होता है तो आज का ही हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो हम क्रमिक अनशन पर भी जाएंगे। हाँ, सबसे पहले तो डेफिनेटली हम लोग 22 वर्षों से विभाग के अंदर में कार्य कर रहे हैं, तो सबसे प्रायोरिटी वाली जो डिमांड है वो तो अपनी स्थायी नीति की ही डिमांड है। बट जैसा आप लोगों को भी पता है और हमें भी बेहतर पता है कि सरकार के पास में लगभग समय इतना बचा नहीं है कि वो पॉलिसी ड्राफ्ट लेकर आए, तो उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। सम्मानजनक वेतन में हम लेक्चर कंप्यूटर साइंस की पोस्ट पे काम कर रहे हैं स्कूलों में, तो लेक्चर कंप्यूटर साइंस को जो वेतन मिल रहा है वो डेफिनेटली हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई की मार हम लोगों पे भी है जैसी उन लोगों पे है। उन लोगों को महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन हम लोगों को आउटसोर्स एम्प्लॉय बोल के ना कोई महंगाई भत्ता मिलता है ना कोई एनुअल इंक्रीमेंट मिलती है। तो सरकार से पुरजोर हमारी जो मांग है वो इनिशियल स्टेज पर यही डिमांड है कि कम से कम आप लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का जो वेतन है वो हमें भी दे। हाँ, जो कंप्यूटर शिक्षकों की संख्या अपने पास में 1141 है। अगर सरकार ये सोच के चलिए कि 1141 कोई बहुत सॉरी 1341 है अगर सरकार ये सोच के चलिए कि 1341 कोई बहुत बड़ा संख्या बलनी है तो ये सरकार की भूल होगी, क्योंकि अपने साथ में मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इस स्टेज पे हैं कि हमारे बच्चे भी वोटर हैं, हमारे पेरेंट्स भी वोटर हैं, और बात करें तो इन लॉज की जो हमारी फैमिलीज है वहां भी कुछ ना कुछ तो हमारा इम्प्रेशन रहेगा। तो डेफिनेटली हम लोग सरकार के विरोध में जाएंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है।